वेल इस मॉड्यूल में वील बी डिस्कसिंग द वर्टिब्रेट किडनी वेरिएशंस दैट मींस वर्टिब्रेट्स के अंदर कौन कौन सी किडनीज पाई जाती तो इसमें दे आर थ्री टाइप्स ऑफ किडनीज जो कि डेवलपमेंटल भी ये इसमें किसी भी हर एनिमल्स के अंदर ये तीनों किस्म की किडनीज जो हैं वर आफ्टर दी वेदर दैर दीज आर द किडनीज विच वी कॉल द प्रो द मीजोनेफ्रॉस एंड मेटानेफ्रॉस तो इस मोड्यूल में विल बी डिस्कसिंग दैट इज दोनेफ्रॉस इन वर्टिब्रेट्स तो जाहिर है इसे लॉजिकली हम कह सकते हैं कि जो प्रो नेफ्रॉस है बहुत ही प्रेमेटिव वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती हैं और वो कौन से प्रेमेटिव जैसे हैग फिशेज है या फिर इसके रेलेटिव या फिर मैक्सिमम अगर जाए तो एम्फिबियंस की लार्वी के अंदर र वेरी सिंपल टाइप ऑफ किडनीस विच वी कॉल द फ्रोन वर्टिब्रेट है हमें पता है कि तकरीब तमाम वर्टिब्रेट के अंदर देर आर पेयर ऑफ किडनीज ऑन ईच सिनल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं और जिसे हम ये भी कह सकते हैं ए ऑर्टा के दोनों तरफ ये किडनीज पाई जाती हैं नव ईच किडनीज ए कोट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू called the renal capsule or uh, the inner the inner that is portion of the kidney is called medulla whereas the outer portion is said to be the cortex so the structure and function of the vertebrate kidney differ that depending upon the vertebrate's groups and the developmental stages they can developmental stages can there be kidneys kidney one after the other develop hoti तो जैसे uh, जैसे हायर uh, वर्टिब्रेट्स के अंदर तो जब डेवलपमेंट अगर किसी एनिमल के अंदर जैसे रेप्टाइल है या बर्ड है या मैमल है तो उसके अंदर अल्टीमेट फॉर्म ऑफ द किडनी दैट इज मेटानेफ्रोस लेकिन डेवलपमेंटली ये प्रो नेफ्रॉस से ही शुरू होगी उसके बाद फिर दैट इज रिप्लेस्ड बाय द मीजोनेफ्रॉस एंड देन इट इज कन्वर्टेड इन द मेटानेफ्रॉस So, so, overall there are three kinds of vertebrate kidneys, which we have pro nephros, metanephros, and then the metanephros. So, now we will discuss one by one. As par isko discuss so, is in this module, we see so, so, it appears that is very briefly in many vertebrate embryos and not at all in mammalian embryos. The pro nephros, is in mammalian embryos, ke andar, uh, if that is a very far short duration. But like ultimate form that is not pronephros. In some vertebrates, the pronephros is uh, the first osmoregulatory and excretory organ of the embryo, as in tadpoles and other amphibian larvae. So in vertebrates such as hagfishes, that is the pronephros that, uh, that remains as the functional kidney. ये दिस इज अ किडनी विच इज अ फंक्शनल किडनी ये ऊपर ये डायग्राम ऐसे हम देख रहे हैं कि देयर इज दिस हैगफिश दिस इज अ हैगफिश और और इसके बॉडी के अंदर इस बॉडी के अंदर ये किडनीज हैं और ये वी कॉल देम एज़ द रीनल ट्यूब्यूल और ये ऑन बोथ साइड ये बिचर पिंक इन कलर ये टेस्टिस दिखाए गए हैं और ये दिस इज अ प्रिमिटिव प्रोनेफ्रोस ये प्रिमिटिव किडनी है विच इज़ यूजली इट इज इलोंगेटेड किडनी और ऑन बोथ साइड ऑफ दर्टिबल कॉलम और uh, फिर uh, इसके दरमियान में डाइजेस्टिव सिस्टम टू दी एनएस ये जो इसमें से जो डक्ट्स निकलती हैं दूनाइट टूगैदर टू फॉर्म दर्कियोफिक वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ किडनी तो इस इन uh, वर्टिब्रेट्स के अंदर जो कि प्रीमेटिव वर्टिब्रेट्स हैं या फिर uh, एम्फीबियन लारवी हैं या जैसे हम टेडफुल लार्वी है कहते हैं तो उसके अंदर भी यही किडनी है जो कि फंक्शनल है और उसी तरह ऑस्मोवेकुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करते हैं तो इन द इंटीरियर हाफ ऑफ द बॉडी द रीनल ट्यूब्यूल अकर्स इन सेगमेंट्स जैसे हमने देखा है कि ये सेगमेंट्स की फॉर्म में ये पाई जाती है एंड लीड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द टू फुन दर्क्योनेफ्रिक डक्ट तो जैसे हर सेगमेंट से एक डक्ट निकलती है जो कि एक मेन डक्ट के अंदर खोल रही है जिसे हम जिसे हम आर्क्योनेफ्रिक डक्ट कहते हैं तो इसमें हम ये भी बड़ी देख रहे हैं जैसे पिछली डायग्राम में हमने देखा कि दस्ट इज दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्राम द किडनीज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ इट तो बिल्कुल अलग टिश्यू है जो कि यहां से फिर फिर रिप्रोडक्टिव uh, सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है तो दिस इज दर्स्ट टाइप of kd that we well, that we have studied and that is usually in the very uh, you can say the primitive animals which is the pro-nephros so this is all about